वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले सैंगर सीक्वेंसिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सैंगर सीक्वेंसिंग एक ऐसी सीक्वेंसिंग होती है जिसमें हम डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि समझे मेरे पास यहाँ पर एक डीएनए है। मुझे पता है हर एक डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। उन न्यूक्लियोटाइड में इस तरीके से एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन सबकी एक अरेंजमेंट होती है स्पेसिफिक। हर एक जीन के, हर एक डीएनए के पोर्शन के पास एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। अब मुझे यहाँ पर इस सारी अरेंजमेंट को जानना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि आप डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हो। यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीएनए को लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे। कहने का मतलब है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें से किसी एक स्ट्रैंड को लेंगे और उस स्ट्रैंड को लेके हम इस प्रोसेस को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सैंगर सीक्वेंसिंग जानने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डीएनए किस तरीके से बना होता है। अगर मैं एक डीएनए को देखूं तो आपने सुना होगा एक डीएनए जो है 5' से 3' बनता है, और यहाँ पर जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर शायद आप लोगों ने ये सभी बातें सुनी होंगी कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर ये किस तरीके से होता है, समझे मैंने कहा यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर इसके पास कोई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है जो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके पास एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर इसके 3' पे OH है, 3' पे OH होने का मतलब है कि इसका जो थर्ड कार्बन के साथ जो OH जुड़ा है वो क्या करेगा, वो अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, वो अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं डीएनए में। यही है जिसकी वजह से डीएनए तो एक साथ बन सकता है और जुड़ सकता है, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ने की वजह से डीएनए बन सकता है। हम सैंगर सीक्वेंसिंग में ये जो बॉन्ड है ना, इसी को हम टारगेट करते हैं। करते क्या है, हमारे पास ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, इसका हम यहाँ पे रेप्लीकेशन चलाते हैं। रेप्लीकेशन चलाने का मतलब है कि अभी इसका एक ही स्ट्रैंड है तो इसका दूसरा स्ट्रैंड हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इस स्ट्रैंड में हो सकता है कि हमें शुरुआत का थोड़ा सा सीक्वेंस पता हो, अगर हमें सीक्वेंस नहीं पता तो हम इससे कोई ऐसा पोर्शन अटैच करवा देंगे, फ्रेगमेंट अटैच करवा देंगे जिसका हमें सीक्वेंस पता हो। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जब भी हम रेप्लीकेशन शुरू करते हैं तो हमें उसके साथ एक प्राइमर अटैच करना पड़ता है, तभी यहाँ पर रेप्लीकेशन होती है, नहीं तो अगर रेप्लीकेशन कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी, तो आपको एक प्राइमर चाहिए होता है। तो जब आपके पास कोई नॉन सीक्वेंस से अटैच होगा तभी आप प्राइमर अटैच कर पाओगे। अभी हमें ये सारा सीक्वेंस नहीं पता, हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर चार टेस्ट ट्यूब लेंगे, 1, 2, 3, 4, चारों ही टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पे ये जो हमारा डीएनए है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको हम ऐड कर देंगे। चारों ही टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करूंगी। उसको ऐड करने का रीजन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो रेप्लीकेशन करवाता है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डीएनटीपी भी ऐड कर दूंगी। डीएनटीपी कहने का मतलब है कि यहाँ पर N का मतलब होता है एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, यानी कि चारों के चारों में न्यूक्लियोटाइड दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का ही बना होता है। इसके साथ साथ ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस हो गया, मैंने यहाँ पे प्राइमर भी प्रोवाइड कर दिया, ये तो पूरा नॉर्मल रेप्लीकेशन चला रही हूँ। नॉर्मल रेप्लीकेशन से तो मुझे पता नहीं चलेगा सीक्वेंस, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज ऐड कर दी जिसको बोलते हैं डीडीएनटीपी। ये डीएनटीपी है, ये डीडीएनटीपी है। डीडीएनटीपी का मतलब क्या होता है, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। यहां पर अगर हम देखें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट कैसे है, तो आप यहां पे देख सकते हो डाई डीऑक्सी। यहां पर ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता, इसके पास यहां पर 3' पे OH नहीं होता, इसके पास हाइड्रोजन होता है। 2' पे तो नॉर्मली वैसे भी हाइड्रोजन होता है, इसके पास 3' पे भी हाइड्रोजन है। अगर 3' पे भी हाइड्रोजन आ गया तो रेप्लीकेशन कैसे करोगे,
रेप्लिकेशन रुक जाएगा, यहां पर क्या होगा रेप्लिकेशन रुक जाएगा, अगले आ ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। देखो यहां पर नॉर्मली होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड प्राइम पे यहां पर क्या होता है OH नहीं होता, हाइड्रोजन होता है। डाईडीऑक्सी में दोनों पे ही OH नहीं है, हाइड्रोजन है, तो यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, समझिए। मैं यहां पर सबसे पहले टेस्ट ट्यूब देखती हूँ, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐड किया DDATP, दूसरे में मैंने ऐड किया DDCTP, तीसरा मैंने ऐड किया DDGTP और चौथे में मैंने ऐड किया DDTTP, यानी कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक मैंने ऐड किया। इसमें कब रुक जाएगा, जब ऐसा एडेनिन यहां पे एंटर हो जाएगा, इसमें जब ऐसा साइटोसिन एंटर हो जाएगा। तो समझे मेरे को, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास इस तरीके से सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 3' से है ATGCCG, इस तरीके से मेरे पास समझे यहाँ पे सीक्वेंस है। इसके पहले यहाँ पे प्राइमर लगा है, तो यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस लगा है जिसका मुझे सीक्वेंस पता है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा प्राइमर आके। ये प्राइमर नहीं है, ये तो सीक्वेंस है जिसके बारे में हमें पता है, यहाँ पर प्राइमर आ गया। तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल रेप्लिकेशन चलेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। लेकिन यहां पर जब ए के आने की बात हुई, तो ए यहां पे नॉर्मल भी आ सकता है और ए यहां पर इस तरीके का भी आ सकता है। अगर ये वाला ए आ गया तो यहां पर रेप्लिकेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यानी कि इस कंडीशन में हमें इतना छोटा सा फ्रेगमेंट मिलेगा, रेप्लिकेशन यहां पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अगर मैं आपको इस वाली कंडीशन में बताऊं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास दो दो जी हैं, तो इस तरीके से मैंने कहा यहां पर इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेगमेंट है जिसका मुझे सीक्वेंस जानना है, जिसका मुझे क्या करना है, सीक्वेंस जानना है। हमें पता है हमेशा रेप्लिकेशन 5' से 3' चलती है, तो यहां पर क्या होगा, प्राइमर आ जाएगा, टी आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहां पर जब जी आना था, तब यहां पर कौन सा वाला जी आ गया, तब यहां पर इस तरीके से मॉडिफाइड वाला जी आ गया, यानी कि डाईडीऑक्सी आ गया, तो यहां पर रेप्लिकेशन रुक जाएगी। फिर मैंने कहा यहां पर फिर से यहां पर रेप्लिकेशन शुरू, ये फ्रेगमेंट अलग हो गया, फिर से रेप्लिकेशन शुरू हुई, टी आया, ए आया, सी आया, जी आया, इस बार नॉर्मल जी एंटर हुआ, इस बार नॉर्मल जी आ गया। लेकिन अगली बार यहां पर क्या हो गया, अगली बार यहां पर फिर से कौन सा जी आ गया, ये डाईडीऑक्सी वाला आ गया। कहने का मतलब है कि यहां पर फिर से रेप्लिकेशन रुक गई, तो यहां पे मुझे डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट्स मिले, एक जो कि यहां पे रुक गया और एक यहां पे रुका, क्योंकि पहली बार नॉर्मल जी ऐड हो गया था, नॉर्मल जी भी ऐड हो सकता है और ये वाला जी भी ऐड हो सकता है। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, इसकी वजह से मुझे हर एक ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगी, अब मैं यहां पर इनका चलाऊंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करेगा, इन सबको साइज के बेसिस पे सेपरेट कर देगा। तो यहां पर क्या करूंगी, मैं DDATP वाले को ऐड कर दूंगी टेस्ट ट्यूब को, यहां पर DDCTP वाली टेस्ट ट्यूब को, यहां पर DDGTP वाली को, और यहां पर DDTTP वाली को, इस तरीके से। अगर हम यहां पे देखें, यहां पर एप्लीकेशन कहां से शुरू होती है, हमें पता है 5' से जाती है, कहां तक जाएगी, 3' तक। जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है वो कहां तक जाएगा, वो सबसे नीचे जाता है, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे फार्देस्ट जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें, तो सबसे पहले यहां पर क्या ए है, तो हो सकता है इस कंडीशन में ए के साथ जो सबसे पहला टी आ रहा हो वही यहां पर कैसा आ जाए, डाईडीऑक्सी आ जाए। तो सबसे छोटा फ्रेगमेंट हमें कहां मिलेगा, सबसे छोटा फ्रेगमेंट हमें इस कंडीशन में मिलेगा। इससे पहले प्राइमर होगा, वो तो सबके पास ही है, तो सबसे छोटा यहां पे आएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहां पे देखें, टी है, टी में यहां पर ए आ गया जो कि डाईडीऑक्सी के साथ है, तो ए वाला कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। उसके बाद टी के साथ आता है सी, सी वाला अगर यहां पे देखें, हम रेप्लिकेशन रुक गई होगी, तो यहां पर हमें फ्रेगमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम यहां पर देखें जी, तो जी वाला कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है। वंस अगेन यहां पर कौन आएगा, जी आएगा, क्योंकि दो सी हैं तो दो जी आएगा। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे, क्योंकि हो सकता है पहली बारी में यहां पे डाईडीऑक्सी वाला आ गया या फिर दूसरी बार आया। उसके बाद यहां पर कौन आएगा, सी वाला, और उसके बाद यहां पे कौन आएगा, टी वाला। तो इस तरीके से मुझे डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्या मिल चुके हैं, फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं, जिससे मैं अब देख सकती हूँ कौन सा है, सबसे नीचे टी है, फिर मैं देख सकती हूँ यहां पर ए है, फिर मैं देख सकती हूँ सी है, फिर मैं देख सकती हूँ जी है, सी है और टी है। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि जो नया रेप्लिकेशन हुआ है उसका मुझे स्ट्रैंड का सीक्वेंस मिल गया।
इसको यूज करके मैं ओरिजिनल स्ट्रैंड का सीक्वेंस आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि हमें पता है कौन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इस तरीके से मैं ओरिजिनल स्ट्रैंड का भी फाइंड आउट कर सकती हूँ और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये तरीका होता है सैंगर सीक्वेंसिंग का, जिससे आप डीएनए का सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिकली आपको बस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स चाहिए जिनको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करोगे। वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स कब बनेंगे, जब डाई डीऑक्सी गलत मतलब डाई डीऑक्सी एंटर हो जाएगा। नॉर्मल आएगा तो स्ट्रैंड चलेगा, लेकिन डाई डीऑक्सी आ गया तो वहीं पे रेप्लिकेशन रुक जाएगी। तो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।